और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की। बहुप्रतीक्षित सीट जो श्रावस्ती थी, यहाँ से साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने साकेत मिश्रा पर अपना भरोसा जताया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए गए बीजेपी प्रत्याशी, प्रदीप कुमार कैराना से, मुजफ्फरनगर से संजीव बलियान, रामपुर से घनश्याम लोधी, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, नोएडा से महेश शर्मा, बुलंदशहर से भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, आगरा से एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, हरदोई से जयप्रकाश रावत, लखनऊ से राजनाथ सिंह, मिश्रिक से अशोक कुमार रावत, अमेठी से स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, कन्नौज से सुब्रत पाठक, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, झांसी से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल, बांदा से आरके सिंह पटेल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, फैजाबाद से लल्लू सिंह, गोंडा से कीर्तवर्धन सिंह, बस्ती से हरीश द्विवेदी, गोरखपुर से रवि किशन, कुशीनगर से विजय दुबे, आजमगढ़ से दिनेश यादव, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, चंदौली से महेंद्र पांडे। इसी प्रकार श्रावस्ती से साकेत मिश्रा को टिकट मिला है, जिसके बाद भाजपा के लोगों में खुशी की लहर देखी गई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की सीट पर कई प्रत्याशी अपना दांव आजमा रहे थे, लेकिन भाजपा ने साकेत मिश्रा पर अपना भरोसा जताया। भाजपा ने साकेत मिश्रा पर अपना भरोसा जताते हुए 58 लोकसभा श्रावस्ती से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। अब साकेत मिश्रा श्रावस्ती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। साकेत मिश्रा के नाम पर बीजेपी के आलाकमान के द्वारा लगाया गया है मोहर। साकेत का नाम अनाउंसमेंट होने के बाद श्रावस्ती लोकसभा में लोगों में खुशी की लहर, वहीं कई लोगों को निराशा भी हाथ लगी है। लेकिन बीजेपी ने साकेत मिश्रा पर अपना भरोसा जताया और साकेत मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी के 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। भाजपा ने श्रावस्ती से साकेत मिश्रा को दिया टिकट।